जब कोई मर जाता है तो घर में आप जाते हैं वो सिपारे बांटते हैं और कहते हैं जी तुम्हें अब पढ़ो तुम अब पढ़ो यानी जिस कौम के पास तस्वुर भी नहीं है सबसे ज्यादा जो हयात आफरीन सूरत है वो सूरत यासीन है यासीन जी वो मुर्दे को सुनाते हैं मरन लग गया जी यासीन पढ़ो यासीन पढ़ो यानी एक इस कौम को इस कौम की लामी और जहालत का ये आलम है जिस कौम को जिस बेचारी कौम ने देखा भी नहीं है और इस कुरान को ये इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी कॉम के लोग यो जो दुनिया की इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा हयात आफरीन किताब है ये कौम उस किताब को मुर्दों को सुनाती है जब कोई मर जाता है तो घर में आप जाते हैं वो सिपारे बांटते हैं और कहते हैं जी तुम्हें अब पढ़ो तु अब पढ़ो यानी जिस कौम के पास तसव्वुर भी नहीं है यानी कुरान करीम की यूं तो सारी सूरतें ऐसी हैं कि आदमी आदमी क्या कहे लेकिन सबसे ज्यादा जो हयात आफरीन सूरत है वो सूरत यासीन है यासीन जी वो मुर्दे को सुनाते हैं मरन लग गया जी यासीन पढ़ो यासीन पढ़ो यानी एक इस कौम, को, इस कौम की लाइन और जहालत का ये आलम है कि इन्हें पता ही नहीं है कि लफ्ज कुरान ये लफ्ज इसके मादा क्या है इसके रूट वर्ड क्या है और इसके मानी क्या है जी। ये, जी। ये ये अल्फाज ये लफ्ज कुरान खुद किताब में ये जो जो हमारे पास किताब रखी है कुरान मजीद जिसे हम कहते हैं उसमें यह लफ्स सत्तर मरतबा आया है सेवेंटी टाइम्स कुरान इस लफ्स का